ओम शांति। आज हम मेडिटेशन फॉर यूथ इस टॉपिक पर खास देखने वाले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन की है, हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज बट इट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। माना सिर्फ मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, नहीं, लेकिन क्या मैं मानसिक तौर से शांत हूँ, मानसिक तौर से मैं पॉजिटिव क्रिएटिव हूँ, क्या मैं फिजिकल रूप से भी स्वस्थ हूँ, और हाँ मेरे सबके साथ रिलेशंस अच्छे हैं। हम उसमें और एक पॉइंट ऐड करते हैं, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग। क्या मैं भावना के तौर पर स्वस्थ हूँ, अपनी भावनाओं को, इमोशंस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ, और हाँ स्पिरिचुअल वेलबींग माना क्या मैं सदा खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। अगर ये पांच बातें वेलबींग के मेरे पास है देन आई एम हेल्दी। लेकिन आजकल जो सिनारियो है वो हम ये देख रहे हैं, आजकल के हमारे यंगस्टर्स, वर्किंग क्लास देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विशेष रूप से दो बातों का चैलेंज फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन, और वो दो बातें हैं स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन, और इस स्ट्रेस और टेंशन के कारण आजकल तो ये भी सर्वे कह रहा है कि यंगस्टर्स की जो डेथ हो रही है उसमें दो नंबर का रीजन जो स्पेशली है वो है स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण सुसाइड रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये स्ट्रेस आता क्यों है, क्या कारण है? कई बार हम इस स्ट्रेस को पहचानते भी नहीं हैं और हम इस स्ट्रेस को ऐसा समझ लेते हैं इट्स अ मेडिकल थिंग, तो चलो कुछ मेडिसिन से इसे ठीक करेगा। लेकिन येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि अगर स्ट्रेस और डिप्रेशन को आपने जल्दी से जल्दी अगर आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, तो इस स्ट्रेस का और डिप्रेशन का बहुत गहरा असर हमारी हेल्थ पर, हमारी परफॉर्मेंस, हमारे रिश्तों पर और ओवरऑल हमारी लाइफ पर हो सकता है। और वो रिसर्च क्या कहता है, कई बार ये स्ट्रेस क्यों महसूस होता है, जिसको हम कई बार ये समझते ओ इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ, स्ट्रेस के बिना तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं सकता, और ये सोचते सोचते वो थोड़ा सा तनाव का बड़ा रूप बन जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। अच्छा अगर इसका कारण ढूंढो तो कई बार है पीयर प्रेशर ग्रुप, हाई कॉस्ट एजुकेशन, बहुत अच्छे डिग्री होल्डर्स है बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ गुड जॉब, आई एम स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ, फेल्यूअर्स इन माई रिलेशनशिप। अगर ये सारे कारण हम देखते हैं, और हाँ इसके साथ और भी कई कारण हो सकते हैं, अगर हम रीजंस को देखते हैं तो उस स्ट्रेस को हैंडल करने का मेरा तरीका अगर सही नहीं है तो हम कई बार डिप्रेशन में जा सकते हैं, और फिर हम या हमारे पेरेंट्स उसको ये बात ले लेते हैं इट्स ए मेडिकल थिंग, तो चलो मेडिकल थिंग इसको ठीक कर देगा। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई करें मेरे अंदर स्ट्रेस लेवल कहाँ है, क्यों मुझे स्ट्रेस आ रहा है। अगर हम उसको पहचान लें कि यस मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सी बात मुझे डिफिकल्ट लग रही है, किस बात के कारण मैं परेशान हूँ, कौन सी बात के कारण मेरी नींद मैंने खो दी है, कौन सी बात मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है,
अगर मैंने उस बात को समय पर आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हम बहुत अच्छी तरह से काउंसलर के पास जा सकते हैं या हम उसके साथ साथ कई सारे सॉल्यूशंस को हम ढूंढ सकते हैं कि जो हमारे अंदर के स्ट्रेस को ख़त्म करके हमें अंदर की इनर स्ट्रेंथ दे सकते हैं। और यस, ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर हमने इस स्ट्रेस को और डिप्रेशन को समय पर आइडेंटिफाई नहीं किया तो इसका रिजल्ट कहाँ होता है? इसका रिजल्ट होता है स्पेशली हमारी हेल्थ पर, और वो किस टाइप से? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अगर मुझे रह रहा है तो इसका विशेष परिणाम हो जाता है हमारे हार्ट पर। जो लोग लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बीपी हाई हो जाता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, या फिर कई बार इनकी नींद हराम हो जाती है। और हाँ, इम्यून सिस्टम पर तो बहुत बुरा असर हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, मेमोरी लॉस होता है वो अलग, कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाती है, और इतना ही नहीं, छोटी छोटी बात में चिढ़ना, गुस्सा करना, इरिटेट होना, ये सब शुरू हो जाता है। अभी अपने आप से पूछो, क्या जो हम स्टडी कर रहे हैं या जो हम जॉब कर रहे हैं या जिस भी रिलेशनशिप में है, क्या उसको इतनी लेवल के स्ट्रेस से हैंडल करना राइट है? या फिर क्या हम अपने आप को बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं? क्या मैं अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स बहुत अच्छे क्रिएट कर अपने आप को स्ट्रांग, अपने आप को पावरफुल बना सकती हूँ? हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं कि जो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइडलाइन करे, बहुत अच्छा काउंसलिंग करे, जिस काउंसलिंग के कारण मेरा मन फ्रेश हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, मोटिवेट हो जाए और हर समस्या को, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कहे, यस आई एम रेडी टू फेस। तो चलिए आज हमें एक बात करनी है, शांति से अपने साथ बैठना है, अपने मन को पूछना है, हे मन, तुझे किस बात का टेंशन है, किस बात का स्ट्रेस है, क्यों आप बार बार सोच रहे हो? चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इस बात को दूसरे एटीट्यूड से, पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और हमें इसमें से जल्दी बाहर आना है और मुझे जीवन की इस फेज को क्या करना है, एंजॉय करना है, खुशी खुशी से उसे मुझे पार करना है, एंजॉय करना है। तो अपने साथ बैठना ज़रूर, आइडेंटिफाई करना ज़रूर, और हाँ, उसको निकालना ज़रूर। इसी के लिए हम वापस नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओम शांति।